बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं एक ज़बरदस्ती फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो लंच बॉक्स में परफेक्ट जाती है। प्लेन वाइट राइस बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता और बड़ों को भी अच्छा नहीं लगता, तो हम इस तरह का हल्का फुल्का सा राइस बना लेंगे जो लंच बॉक्स में परफेक्ट जाता है और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत कम टाइम में बन जाता है। इसको मैं आलू के सब्ज़ी के साथ सर्व कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। ये सब्ज़ी में ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, अगर ऑयल रहेगा तो पूरा स्पिल हो जाएगा, लंच बॉक्स भी ख़राब हो जाएगा। अब इसके लिए मैंने थोड़े से कैरेट्स को कट कर लिए हैं, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा मटर, हरी मिर्च है, थोड़ी सी कोरिएंडर है और एक कप राइस को मैंने राइस कुकर में बना लिया है। चावल को धोकर आप राइस कुकर में ऐड कर लेना और जब रात में आप सोते हैं ना 11 बजे जब आप राइस कुकर को ऑन कर देना, तो क्या होगा जब हम सुबह उठेंगे 6 बजे तक ये चावल बिल्कुल बनकर रेडी रह जाएगा। इसके बाद हम इस तरह फोक से चावल को अलहदा कर लेंगे। अगर आप सुबह में चावल बनाने की कोशिश करेंगे तो 30-40 मिनट्स टाइम लग जाएगा और स्कूल बस मिस हो जाएगी। अब एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है। अब इसी में मैं 1 टेबलस्पून घी भी ऐड करूँगी। मैंने कैरेट और मटर दोनों को ही लिया है, अगर आप चाहें तो इसमें कैप्सिकम और आलू भी ऐड कर सकते हैं और भिंडी भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम अदरक लहसुन और प्याज नहीं ऐड करेंगे, इससे ना स्मेल आती है। एक चुटकी जीरे को ऐड करेंगे, ज़ीरा एपिटाइजिंग होता है। 2 हरी मिर्चों को जस्ट थोड़ा सा स्लिट लगा लिया है और ये थोड़े से मटर है मेरे पास, ये मैं ऐड कर दूँगी। वेजिटेबल्स आपकी अपनी चॉइस है, आप जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए 2 मिनट पका लेंगे। इसके बाद ये जो मैगी मसाला की जो पैकेट होती है ना, एक मार्केट में भी मिलती है और ये नूडल्स के साथ आती है, तो आज मैं ये नूडल्स के साथ जो पैकेट आती है ना वो यूज़ कर लूँगी। इससे ना थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आता है और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। इसको मिक्स कर लेना है। मैंने चावल में नमक ऐड किया है इसीलिए मैं अब नमक यहाँ नहीं ऐड करूँगी। अगर आप चावल में नमक नहीं ऐड करते तो यहाँ पर नमक ज़रूर ऐड कर लेना। इसके बाद हम पूरा चावल इसमें डाल देंगे और तो ये कोरिएंडर ऐड करने से अच्छा सा फ्रेशनेस आता है चावल में। और ये हाफ लेमन जूस भी ऐड करेंगे, तो जब लंच बॉक्स में लंच में बच्चे खाएंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको बस 2 मिनट ही पका लेना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना है। और कोशिश करना कि आप इसमें कोई ऐसी घट सब्ज़ी सर्व करें, ऑयल वाली सब्ज़ी नहीं सर्व करना, क्योंकि वो बाजिक से ऑयल लीक हो जाता है और लंच बॉक्स ख़राब हो जाता है और यूनिफॉर्म भी ख़राब हो जाता है। तो इसको मैंने आलू की सब्ज़ी के साथ सर्व किया है, उसकी रेसिपी चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको ज़रूर चेक कर लेना। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी और दूसरे लंच बॉक्स रेसिपीज़ के लिए भी मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़।